बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके पसंदीदा चैनल पाकिस्तानी देसी फूड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, शादाबाद होंगे अपने घरों में। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बैंगन का भरता। बैंगन का रायता मैंने पहले बनाया था, उसकी रेसिपी मैंने दी है। बैंगन का रायता जो है वो दही में बनता है, और ये मैं भरता बनाने लगी हूँ। ये मैं बताऊँगी आपको कैसे बनाना है। तो बैंगन का भरता बनाने के लिए ये चार बैंगन मैंने ले लिए हैं, तो इनको पहले मैं तवे के ऊपर रख के तो इनको सॉफ्ट कर लूँगी, फिर इसका भरता बनाऊँगी। उतनी देर तक मैं सारी चीज़ें भी रेडी कर लूँगी। तो एक छोटी सी बात हो जाए, ये कोरोना के बारे में जो हमारे वज़ीर आज़म ने इकदाम किए, जो भी जिस तरह से कि ये लॉकडाउन को किया, तो हर तरफ से यही पैगाम आ रहा है कि जी ये लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान में बहुत कंट्रोल है। तो अल्लाह करे हमारे मुल्क में इसी तरह से ही कंट्रोल रहे। अगर आप सब वज़ीर आज़म का साथ दे तो अल्लाह करे कि ये बीमारी यहाँ से दफ़ा दूर ही हो जाए, आगे ना ही बढ़े। अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है, और अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र अदा करना चाहिए कि अभी अल्लाह का शुक्र है तादाद इतनी नहीं बढ़ी। तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो आप अपने घरों में बैठे हैं, अपनी केयर आप खुद कर रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से कह ले या इसके डर की वजह से ही, ये कोई छूत बीमारी है तो अल्लाह किसी को भी ना ये लगाए, तो बड़ी अच्छी बात है कि अभी तो कंट्रोल है, अल्लाह इसी तरह से ही रखे। और ये जो लॉकडाउन हुआ है आप इस पर ज़रा अमल करते रहें, तो अल्लाह करे आगे मौसम चेंज हो, ये बीमारी जल्दी इधर से हमारे पाकिस्तान से तो क्या पूरी दुनिया से दफ़ा दूर हो जाए। हमें सब के लिए दुआ करनी चाहिए, किसी के लिए भी हमें अपने दिल में बोझ नहीं रखना चाहिए कि वो फलां मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है। अल्लाह ताला के मामलात हैं, अल्लाह ताला बेहतर करने वाले हैं। उन्होंने ही सबको पैदा किया, वही सबको रिज़्क देते हैं। हम कौन होते हैं किसी के ऊपर बातें उठाने वाले। तो बड़ी अच्छी बात है, आप इसी तरह से अमल करते रहें, अल्लाह करे ये बीमारी आगे ना बढ़े। तो चलिए ये मैं बना लेती हूँ अब बैंगन। तवा गर्म हो गया, देखिए इस पर मैं अब बैंगन रखूँगी इस तरह से। ये रख दिए मैंने चारों बैंगन, और ये प्लेट के साथ कवर कर दूँगी, और अब ये सॉफ्ट होते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बैंगन हो गए थे रेडी, तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया। इनको मैं उतार लूँगी तवे से नीचे, और मैं आपको दिखाती हूँ अब क्या करना है। ये देखिए ये मैं हाथ से ही उठा लूँगी, ज़रा गर्म है, बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से मैं छिलका उतार लूँगी इनका, और इनके अंदर वाला जो पोर्शन है वो निकाल लूँगी। बड़े आराम से ये निकल आएगा। तवे पे बनाने से ये होता है कि आपका ज़्यादा बैंगन ज़ाया भी नहीं होता, और इसकी जो खुशबू आ रही है ना इस टाइम, माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, स्मोगी सी खुशबू इसकी। इस तरह से ये देखें ये पूरा बैंगन निकल आया। इस तरह से ये मैं सारे बैंगन निकाल के तो फिर आपको दिखाती हूँ इनके छिलके उतार के। ये देखिए छिलके मैंने उतार लिए हैं, तो अब इस तरह से बस पीसेस कर लूँगी। पीसेस भी क्या करने हैं, ये तो बिल्कुल ही सॉफ्ट हुआ पड़ा है, इसको मैश नहीं करना क्योंकि ये दही में नहीं डालना है। इस तरह से बस मोटा मोटा सा रहे। ये देखिए इसकी लुक देखिए, माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। भरता बनाने के लिए जो इसके मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने ले लिए हैं। धनिया ले लिया मैंने थोड़ा सा, और इसके अलावा तीन से चार सब्ज़ मिर्चें ले ली चॉप कर ली, टमाटर एक ले ली चॉप कर ली मैंने, और अदरक देखे मैंने इस तरह से लंबे स्लाइसेस में काट ली है, और ये प्याज एक बड़ी साइज़ की चॉप कर ली, और ये ऑयल मैंने ले लिया 5 से 6 टेबलस्पून,
इसके अलावा ये धनिया नहीं सॉरी गरम मसाला पाउडर है हाफ़ टी स्पून, इसके अलावा इधर नमक हाफ़ टी स्पून, सूख मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी ले ली हाफ़ टी स्पून और ये चार बैंगन। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। पैन देखिए मैंने चूल्हे पर रख दिया गर्म होने के लिए, तो ऑयल डाल दूँगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म हो गया है तो प्याज डाल दूँगी इसमें। प्याज देखिए फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा इसे और फ्राई करूँगी, कलर नहीं इसको देना। प्याज फ्राई हो गई है तो अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी थोड़ा सा। और ये नमक मिर्च और हल्दी ये डाल दूँगी इसमें, इसको मिला दूँगी। अब डालूँगी इसमें टमाटर और इसको भी हिला दूँगी और इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के मैं कवर कर दूँगी ताकि ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं तो ज़रा मैं इनको मैश कर लूँगी। लहसुन इसमें मैंने नहीं डाला, ये बहुत झटपट रेडी होने वाली रेसिपी है और इन दिनों में ये बहुत अच्छी लगती है। हम तो बई लाहौरी हैं तो हम तो इस तरह की चीज़ें बड़े शौक से खाते हैं और हर चीज़ खानी भी चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके अल्लाह ताला जो भी हमें दे दे खाने के लिए सब चीज़ें खानी चाहिए। हर टाइम गोश्त तो यहाँ ये मुर्गी मसलम वगैरह भी नहीं खाए जाते। और ये बैंगन जो है कहते हैं कि इंसानी जिस्म में जो बलगम होती है उसके लिए बहुत मुफीद होता है, बैंगन लाजमी खाना चाहिए, ये जिस्म में से जितनी भी बलगम होती है उसको ख़त्म करता है। मैं तो बैंगन बड़ी शौक से खाती हूँ, पका के खाऊँ आलू में या गोश्त में या बेसन लगा के फ्राई करके या इस तरह से दही का रायता बना के मैं बैंगन बहुत ही शौक से खाती हूँ। तो इसको ज़्यादा मैश नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा मैश करना है इसको। टमाटर मैंने हल्के हल्के मैश कर लिए तो इस तरह से अब ये साथ ही अदरक के स्लाइसेस डाल दूँगी। और थोड़ा सा इसे मिक्स करके इसी के साथ भून लूँगी। अब ये जाएगी इसमें सब्ज़ मिर्च। बैंगन में सबसे एंड में डालूँगी क्योंकि बैंगन जो हैं बिल्कुल गल चुके हुए हैं, उनको पकाने की ज़रूरत नहीं, बस मैंने डाल के हल्का सा मिक्स करना है और चूल्हे से नीचे हटा देना है। ये मसाले की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती। और ये अब चला जाएगा इसमें धनिया, धनिया ज़्यादा सारा डालना है क्योंकि मुझे ज़्यादा ही पसंद है, मैं खाने में धनिया ज़्यादा डालती हूँ और वैसे भी डालना भी चाहिए। ये अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं, हर चीज़ में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई हमारे लिए फ़ायदा रखा होता है। धनिया की तासीर कहते हैं ठंडी होती है और हम खाने में जितने भी स्पाइसेस डालते हैं गर्म होते हैं, तो धनिया ज़्यादा सारा डाल दिया जाए तो अच्छा रहता है। अब मैंने क्या करना है, ये पिसा हुआ गरम मसाला ये डाल दिया मैंने और इसको मैं अब कर लूँगी मिक्स क्योंकि ये चीज़ें डाल के इनको ज़्यादा पकाना नहीं है। धनिया हरा हरा रहे, मिर्चें भी, सब चीज़ का देखिए अपना अपना कलर है, मसाले की लुक देखिए माशाल्लाह। और अब ये बारी आ गई बैंगन की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चले गए इसमें, इनको मैंने मैश नहीं करना,
बस इनको हल्के हाथ से मिक्स करना है ऐसे। आप देख सकते हैं इसकी लुक, बस ये इसी तरह से मोटा मोटा सा रहने देना है। ये कह रहे कि ये कढ़ाई बैंगन बन गए हैं माशाल्लाह। और अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ, इसको मैंने पकाना नहीं है, बस अब मैं इसको चूल्हे से हटा दूँगी जी। तो ये देखें बैंगन का भरता हो गया रेडी, इसकी माशाल्लाह लुक देखें और टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा बना है। खाना ऐसा होना चाहिए कि खाने की लुक आपको बताए कि खाना कैसा बना है। माशाल्लाह मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन ये बहुत टेस्टी बना है। बड़ी इजी सी और सिंपल सी रेसिपी है, तो बहुत टेस्टी बनी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और कोशिश किया करें कि ये बनाते हुए मोटे मोटे पीसेस रखें, बिल्कुल मैश ना कर दिया करें इसको, और गरम गरम रोटी के साथ ये खाएं, माशाल्लाह बहुत टेस्टी लगता है। तो कल मिलूँगी इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।